हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ DIY प्लांटर। तो फ्रेंड्स, लास्ट एक वीडियो में मैंने इस प्लांटर का वीडियो भी शेयर कर रखा है, आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए। तो जो प्लांट मैंने इसमें लगाया था वेस्ट मटेरियल से तैयार किए हुए गमले में, तो देखिए आज इसने खूबसूरत सी फ्लावरिंग भी की है। जब आने वाले टाइम में ये बहुत सारी फ्लावरिंग करेगा तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है मेरा ये प्लांटर। आज की इस वीडियो में जो मैं आपसे प्लांटर शेयर करने वाली हूँ उसमें लगाने वाली हूँ इस फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग। तो फ्रेंड्स, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाएगा ये प्लांट उस प्लांटर में जो मैं आज रेडी करने वाली हूँ, और जब ये फ्लावरिंग करेगा वो तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा उस प्लांटर में। तो फ्रेंड्स, जो मैं प्लांटर आज आपसे शेयर करने वाली हूँ तो उसमें आप कोई भी प्लांट की जो कटिंग से रेडी हो जाते हैं ईजिली तैयार कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कबाड़ में पड़ी बॉटलें, मेरे पास ये बॉटलें अवेलेबल हैं तो मैंने अपने हिसाब से जो बॉटल मुझे चाहिए वो ले लेनी है। आप छोटी या बड़ी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने तीन प्लांटर रेडी करने हैं तो उनके लिए ले ली हैं अपने हिसाब से बॉटलें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में और पहले मैं इन बॉटल्स का स्टिकर हटा दूँगी। तो फ्रेंड्स, स्टिकर मैंने हटा दिया है, अब हमें इस बॉटल को कट करना है। तो कट करने के फ्रेंड्स दो तीन मेथड होते हैं। तो मेरे लास्ट एक वीडियो में मुझसे मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था कि आप कट कैसे करते हो प्लांटर को, तो बताना। तो देखिए सिस्टर जी, हम चाहे किसी भी शार्प जो नाइफ़ वगैरह होती हैं इनको गर्म करके भी हम कट कर सकते हैं इन बॉटलों को, या फिर हम एक कटर आता है जो कटलरी में मिल जाता है, जहाँ पे नोटबुक्स वगैरह पेन वगैरह मिलते हैं वहाँ कटर्स भी मिल जाते हैं कई बार, या हार्डवेयर की दुकान पे भी आप ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गरम चाकू से या फिर हम शार्प कटर से, और कई बार हम कैंची का यूज़ भी कर लेते हैं इन प्लांटर्स को काटने के लिए। तो जिन सिस्टर ने मेरे को क्वेश्चन किया था उनका नेम है रितिका जी। तो रितिका जी, देखिए इस तरह से कटर्स भी मिल जाते हैं। इन प्लास्टिक बॉटलों का मटेरियल पतला होता है तो इजीली कट हो जाता है, लेकिन इन बॉटलों को कट करते समय अपने हाथ का ज़रूर ध्यान रखें कि कट ना हो जाए, क्योंकि शार्प कट होता है ये। तो आप चाहे तो गर्म चाकू से, नाइफ से, या फिर इस तरह के कटर ले लीजिए, या फिर आप कैंची का भी यूज़ कर सकते। तो फ्रेंड्स, चाहे ये कटर हो या फिर गरम की हुई नाइफ हो या फिर कैंची हो, मैं तो तीनों ही चीज़ का यूज़ कर लेती हूँ अपने प्लांटर्स को कटने करने में। जो मुझे इजी लगता है मैं उसी चीज़ का यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कैंची का भी यूज़ किया है, कटर का भी यूज़ किया है, और कई जगह मैं गरम नाइफ का भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी तरह से आप भी कट कर सकते हैं किसी भी बॉटल को, प्लांटर को, जब आपने बनाना हो DIY प्लांटर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कट कर लेना है। ये मैंने गमले का स्टैंड बनाना है, और इसी तरह से मैंने ये छोटी बॉटलों का जो प्लांटर रेडी करने हैं उनको भी इसी शेप में कट कर लेना है, इसी हिसाब से। और अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, मैंने नीचे वाले पोर्शन में गरम करके नाइफ का यूज़ करूँगी मैं, यहाँ पे नाइफ से गरम करके हॉल करके, और फिर इस प्लांटर को इस तरह से सेट करूँगी। तो देखिए, मैंने गरम नाइफ करके हॉल कर लिया और उसमें इस तरह से स्टैंड करके ये प्लांटर को मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं करूँगी इसमें कलर। तो फ्रेंड्स, कलर के लिए देखिए, ये छोटी बॉटलें भी मैंने इसी तरह से कट करके और इसी तरह से सेट कर ली, और कलर मैं यूज़ करने वाली हूँ फ्रेंड्स रेड कलर, ये मेरे पास पड़ा था। और आप जो मर्जी, जो आपके पास कलर अवेलेबल हो, चाहे वो ऑयल पेंट हो या फिर चाहे वो फैब्रिक कलर हो, तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं, कलर ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस प्लांटर को इस तरह से कलर करके रेडी कर देना है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फ्रेंड्स लोग देखते नहीं हैं, फुल वीडियो को स्किप बहुत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को फटाफट से स्पीड में कर दिए। तो देखिए, इस तरह से मैं तीनों ही प्लांटर को कलर कर लूँगी। आप चाहें तो नीचे के पोर्शन में अलग कलर कर सकते हैं और ऊपर के पोर्शन में अलग। तो इसी तरह से कलर करके रेडी कर रही हूँ मैं बॉटलें, और आप अपने हिसाब से कलर करके रेडी कर सकते हैं। तो
तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कलर करके प्लांटर को रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने छोटी बॉटल्स को भी रेडी कर लेना है। आप चाहें तो इन बॉटल्स पे अलग कलर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी रेड कलर का ऑयल पेंट ही था सिर्फ, तो मैंने उसी का यूज़ कर लिया तीनों बॉटलों पे। तो आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, तीनों ही बॉटलें मैंने रेडी कर ली हैं कलर करके। अब मैं इन्हें सूखने देती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सूख के रेडी हैं मेरी ये तीनों ही प्लांटर। तो फ्रेंड्स अब हम इनमें बनाएंगे पेंटिंग। तो पेंटिंग आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स, चाहे आप किसी चीज़ का फेस भी बना सकते हैं, फ्लावर्स भी बना सकते हैं, या फिर कोई अलग जो आपके दिमाग में ड्राइंग हो आप वही रेडी कर सकते हैं। तो मैं तो एक इजी सी पेंटिंग करूँगी, तो आप बने रहिए और देखिए किस तरह से रेडी करने वाली हूँ। आज फिर मैं कांच का यूज़ करूँगी फ्रेंड्स इस प्लांटर में। सिंपल सॉबर सा मेरा एक प्लांटर रेडी करने वाली हूँ, जिसमें मैं लगाऊंगी एक बेलनुमा पौधा। जब वो बेलनुमा पौधा फ्लावरिंग करेगा फ्रेंड्स, तो आने वाले टाइम में बहुत ही खूबसूरत लगेगा मेरा ये प्लांटर। तो देखिए मैं किस तरह से रेडी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने फ्रेंड्स बड़े प्लांटर को रेडी करना है, तो जो मैंने कांच का यूज़ करना है। तो आप चाहें तो मैंने तो जैसे चौरस शेप ली है कांच की, तो आप गोल भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो जिस जो आपके पास वेस्ट मटेरियल पड़ा हो आप उसी से रेडी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ़ायदा भी तभी है जब हम कबाड़ से बिल्कुल रद्दी चीज़ों से कोई चीज़ को यूज़ करते हैं, तो जिसको हम एकदम से न्यू लुक देते हैं तो वो लाखों की चीज़ बन जाती है। तो उसी हिसाब से मैं आज प्लांटर रेडी करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फेविकॉल की मदद से मैंने ये कांच को इस तरह से चिपका देना है इस प्लांटर पे। और इसी तरह से मैंने छोटी बॉटलों को भी रेडी कर लेना है। इसमें भी मैं एक कांच का यूज़ करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो मेरे ये छोटे प्लांटर मैंने रेडी किए हैं, आप चाहें तो इससे एक बॉटल बड़ी भी आती है 1 लीटर की, उसमें भी आप ऐसे प्लांटर बना सकते हैं। तो मैंने तो छोटी बॉटलों से तैयार किए हैं, ये 2-in-1 प्लांटर बन गए हैं फ्रेंड्स। ऊपर भी मैं चाहूँ तो दोनों साइड किसी भी साइड पे प्लांट ग्रो कर सकती हूँ। और इन पे मैंने 1-1 कांच का यूज़ किया है, एक ही कांच का, और बड़ी बॉटल में मैंने 3 कांच का यूज़ किया है जो मैंने फेविकॉल की मदद से चिपका लिए हैं फ्रेंड्स कांच। जब ये कांच सूख जाएंगे तब मैं इन पर पेंटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, कांच सूख के रेडी हो गए हैं। अब मैंने इन पे ड्रॉ कर लेनी है मेरी डिज़ाइन जो मेरे दिमाग में चल रही है फ्रेंड्स। आप चाहें तो कोई फ्लावरिंग डिज़ाइन बनाएं या कोई इमोजी, जो आपको पसंद हो वही डिज़ाइन बनाएं। तो मैंने जो मुझे इजी लगा और जो अच्छा लगा मैं वही कर रही हूँ इस पे पेंट। तो इस तरह से प्लांटर आप रेडी कर सकते हैं वेस्ट बॉटलों से फ्रेंड्स। हम वेस्ट मटेरियल में यूज़ करते हैं तो हमारा पैसा भी बचता है, और जो हम कटिंग से प्लांट रेडी करते हैं तो हमारा फ्री का प्लांट भी रेडी हो जाता है और प्लांटर भी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से थोड़ी सी मेहनत करके हम हमारे गार्डन को एक खूबसूरत लुक दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, फैब्रिक कलर और ईयरबड की सहायता से मैंने इस तरह से डॉट डॉट कर लिए। अब मैं इसमें स्क्रॉल करूँगी फ्रेंड्स। आप चाहें तो कोई दूसरी डिज़ाइन भी कर सकते हैं, मुझे जो इजी लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, तीनों ही प्लांटर मेरे बनके रेडी हैं। आप बताइएगा कैसे लगे मेरे प्लांटर बने हुए। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इन प्लांटर्स में मनी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, स्वीट पोटैटो वाइन, पर्सलिन, मॉस रोज, जो कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं उन्हीं प्लांट्स की कटिंग आप इनमें लगाइए और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे जब ये प्लांट फ्लावरिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिनी एक्सोरा के प्लांट के फ्लावर्स हैं, और इसमें से ले रही हूँ ये मैं बडेलिया प्लांट की कटिंग जो येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, और मैंने मेरे गमले में कर लिया है होल। तो होल को बंद करने के लिए फ्रेंड्स पत्थर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगी इस नेट का यूज़।
तो फ्रेंड्स नेट वजन में हल्का होता है तो इसका यूज़ करें मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स देखिए बड़ेलिया की कटिंग प्लस मैंने छोटे प्लांटों में पेंडेनस प्लांट की जो बेबी प्लांट होते हैं उनकी कटिंग्स लगा दी हैं। तो इसी तरह से आप जेट प्लांट की कटिंग लगाएं, जो भी इजीली ग्रो हो जाते हैं प्लांट उनकी कटिंग्स लगाइए और इसी तरह हैप्पी गार्डनिंग करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक आप मेरी ये वीडियो वॉच कीजिए। न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।